हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी का। अभी तक सभी जोन का जो है पैनल लिस्ट जारी नहीं हुआ है। बहुत से जोन है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ जोन हुआ, दिल्ली जोन हुआ, उसके अंदर का अभी तक पैनल लिस्ट जो है जारी नहीं हुआ है। और अभी तक ना कोई नोटिस है कि इस दिन आपका जो है पैनल जो लिस्ट है जारी की जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि कैंडिडेट को कितनी परेशानी हो रही है और क्या करना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का 0.5, 0.25, 1 मार्क से रह रहा है तो कहीं ना कहीं उनको आशा है कि मेरा जो है वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना नहीं आई है कि इस तरीके से जो है आगे की जो भर्ती प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए, आरआरसी या फिर रेलवे बोर्ड जो है बहुत ही लेट हो चुका है पहले से ही। अब भी उन्होंने जल्दी का कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि हम इस चीज़ को जल्दी करें, नेक्स्ट वैकेंसी को लाएं, ऐसा कुछ भी उनका अभी तक विचार नहीं है। अब क्योंकि अगर ऐसा विचार उनका होता तो आप ये सब जानते हैं कि मार्च के अंदर ही आपके जो हैं ब्लॉक डेट वगैरह जो है ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद अभी तक अप्रैल का आपका वीक भी निकल चुका है पहला, उसके बाद भी आपकी जो है चंडीगढ़ से पैनल लिस्ट जो है नहीं आई है। पैनल लिस्ट के बाद भी सेकंड डीवी आने में आपका काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि रीमेडिकल क्लेम करते हैं कुछ कैंडिडेट, फिर उनको पास करने के बाद फिर एक पैनल लिस्ट आती है। अगर कैंडिडेट कम रह जाते हैं तो उसके बाद जाकर आपकी सेकंड डिवी लिस्ट जो है निकाली जाती है। तो उसके अंदर जितना भी टाइम अब पहले पैनल को आने में लगेगा उतना ही आपका दूसरे पैनल को आने में लगेगा टाइम उसके बाद। तो इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, अस्त व्यस्त हो रहे हैं कि भाई मेरा 2.25 से रह रहा है तो मैं प्रैक्टिस करूँ ना करूँ, और एग्ज़ाम में भी अपना फोकस जो है नहीं दे पा रहे हैं। 0.5 वाले या 1 मार्क वाले या 1.5 मार्क्स वालों को भी ऐसा लगता है कि वैकेंसी दिल्ली जोन में बहुत ज़्यादा है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं हुई है। देखिए, कैंडिडेट के मन में क्या होता है कि अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिया तो या तो मैं उसमें पास हो जाऊँ या फेल हो जाऊँ। ये जो वेटिंग का समय रहता है कि मेरा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी सा होता है, क्योंकि इसमें ना ही कहीं आप दूसरी जगह फोकस कर पाएंगे। जैसे कि अभी CGL का फॉर्म आया है 2023 का, उसके अंदर अगर आप जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करने, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके 200 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, 90-95 मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचें कि यार मेरा ग्रुप डी में हो जाए, उससे अच्छा तो मैं इसको ना दूँ। तो इस तरीके से एक जॉब सिक्योरिटी लेना हर कैंडिडेट की इस समय जो है ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन उस बात को आरआरसी या रेलवे बोर्ड जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उनको सिर्फ अपना करना है, किस तरीके से करना है वो भी उनको ही पता है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब उनको पता है। पैनल लिस्ट कब देंगे, कैसे देंगे, डीवी सेकंड लिस्ट के बारे में कोई नोटिस तभी आएगा जब पैनल लिस्ट आ जाएगी, इसलिए अभी तक पैनल लिस्ट आपकी आई ही नहीं है। तो सेकंड डीवी लिस्ट की अभी तक बात भी नहीं हो रही डिपार्टमेंट में, ना कोई नोटिस आया ना कोई। मैं अगर बात करता हूँ, मैं अपने अगर ओपिनियन से बताऊँ कि सेकंड डिवीज लिस्ट आपका आएगा या नहीं, तो देखिए डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके लिए आपका जो है टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि फर्स्ट पैनल लिस्ट के अंदर ही ये पूरा अप्रैल भी आपका निकाल दें। तो इसलिए आपका हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में जाकर या फिर मई के स्टार्टिंग में अगर आपकी सेकेंड लिस्ट जो है डिवी की वो जारी हो। तो अगर आप भी बहुत करीब हैं कट ऑफ के कम मार्क्स से, तो कहीं ना कहीं आप फिर भी आशा रखिए, साइट को विजिट करते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि हम वेट ही कर सकते हैं, वेट के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप RTI भी लगाएंगे तो भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा इस चीज़ के बारे में कि सेकेंड डीवी आएगा या नहीं आएगा, पैनल लिस्ट कब आएगी या नहीं आएगी, उसमें भी आपको कोई जवाब नहीं।